सभी को मेरा नमस्कार। अभी कल एक सीडी आई है जिसमें हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार जी गलत हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। उनको हमने तुरंत कैबिनेट से हटा दिया है। लेकिन ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहुत दुख हुआ। मैं समझ सकता हूं कि उन सारे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने खूब कुर्बानियां दी हैं, खूब बलिदान दिया इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। उन्होंने ये सब इसलिए थोड़ी किया था कि हमारा एक मंत्री बनने के बाद व्यक्ति इस किस्म की हरकतें करेगा। तो संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया है। देश की सबसे बड़ी उम्मीद आज आम आदमी पार्टी है, संदीप ने उस उम्मीद को धोखा दिया है। उसे हमने तुरंत प्रभाव से कैबिनेट से निकाल दिया। पार्टी भी जल्दी मीटिंग करके पार्टी जो भी एक्शन लेगी उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। लेकिन आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कुछ लोगों के मन में यह आ रहा होगा, जरूर आएगा कि यार आम आदमी पार्टी भी ऐसी हो गई, इसमें भी इस किस्म के लोग आते हैं, तो आम आदमी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में क्या फर्क बचा? एक मन में प्रश्न आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों को टिकट देते हैं तो उनकी तीन स्तर के ऊपर खूब जांच कराते हैं कि भाई इसकी इमेज कैसी है, इसने कभी गड़बड़ तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। सारी जांच कराने के बाद भी या तो ये हो सकता है कि कोई चीज छूट जाए, और या ये भी हो सकता है कि किसी को आज तक गलत काम करने का मौका ही ना मिला हो और सत्ता में आने के बाद गलत काम कर ले। तो कोई क्या करेगा अपने बेटे के बारे में नहीं पता कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा, गलत काम करेगा नहीं करेगा, किसी का क्या भरोसा। लेकिन एक चीज है जो आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में बिल्कुल अलग है, वो है अगर हमारी नजर में कोई सबूत आता है, ठोस सबूत आता है, उसको छोड़ते नहीं है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है, तुरंत का तुरंत एक्शन होता है, जो दूसरी पार्टियों में नहीं होता। हमारे को अभी तक चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं हम लोग। एक तरफ मुझे दुख है कि इस किस्म के लोग हमारे बीच में थे, लेकिन साथ में मुझे गर्व है कि हमने दूसरी पार्टियों की तरह उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनकी गलत हरकतों पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, उनको बचाने की कोशिश नहीं की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जो हमारे क्षेत्र में आती थी, जो हमारे बस में थी। हमारे एक मंत्री पे आरोप लगा फर्जी डिग्री का, उनको तुरंत हमने मंत्री पद से हटा दिया। हमारे एक मंत्री हैं जिन्होंने किसी से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, उसकी जो ऑडियो क्लिप थी वो किसी के पास नहीं थी, विपक्ष के पास भी नहीं थी, मीडिया के पास भी नहीं थी। हमने खुद ब खुद जब मेरे पास वीडियो क्लिप आई, हम छुपा जाते, उसको बताने की क्या जरूरत थी, इमेज खराब होती है पार्टी की, हम भी ना बताते। लेकिन अगर उस दिन हम ना बताते तो मैं अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करता, मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करता, मैं सारे देश के साथ विश्वासघात करता, आम आदमी पार्टी के साथ विश्वासघात करता। हमने खुद, मैंने और मनीष ने सामने आकर उसको, आसिम जी को कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पंजाब के कन्वीनर, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने तुरंत प्रभाव से उनको कन्वीनर के पद से हटा दिया और जांच बिठा दी। और कल जब ये इनकी सीडी आई है, 8 बजे एक टीवी चैनल ने हमको ये सीडी भेजी, तुरंत हमने देखी, 8:30 बजे आधे घंटे के अंदर हमने उनको मंत्री पद से हटा दिया। ये आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के अंदर फर्क है।
आम आदमी पार्टी के अंदर किसी भी हालत में समझौता नहीं होगा, पार्टी बंद कर देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, गलत काम से कभी समझौता नहीं करेंगे। दूसरी पार्टियों में शिवराज सिंह चौहान, उनके ऊपर कितने आरोप लगे हैं व्यापम स्कैम के अंदर, कितने उसके अंदर तो मर्डर हो गए हैं, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में लगी हुई है, उनको निकालने में नहीं लगी हुई, सारी की सारी पार्टी उनको बचाने में लगी हुई है। वसुंधरा राजे जी, उनके ऊपर माइनिंग के घोटाले के आरोप लगे हैं, उनके ऊपर ललित गेट के घोटाले के आरोप लगे हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में लगी हुई है, उनको निकालने में, लीपापोती करने के अंदर, उसपे पर्दा डालने में लगी हुई है, उनको हटाने में नहीं लगी हुई। डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर पीडीएस घोटाले के आरोप लगे हैं, डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर हेलीकॉप्टर खरीद के आरोप लगे हैं, उसके अंदर गड़बड़ करने के आरोप लगे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने के अंदर लगी हुई है। आनंदीबेन पटेल जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री थी, उनके ऊपर अपनी बेटी को 50 लाख रुपए एकड़ की जमीन 60,000 रुपए के अंदर 250 एकड़ जमीन देने के, सस्ती जमीन देने के आरोप लगे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में लगी है, उनको निकालने में नहीं लगी है। और सारी पार्टियों का यही हाल है। कांग्रेस देख लो, कांग्रेस में तो कितने घोटाले हुए, कांग्रेस वाले भी इसी तरह से करते हैं। पंजाब के अंदर जो कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार के स्विस बैंक के अकाउंट निकल के आए हैं कि स्विस बैंकों में उनके अकाउंट हैं, कांग्रेस उनको निकालने में नहीं लगी हुई है, उनको उन्होंने अपना हेड बना दिया पंजाब का। अकाली दल पंजाब में, मजीठिया सारे पंजाब के लोग जानते हैं कि नशे का धंधा करता है, सारे पंजाब के लोग कहते हैं कि नशे के धंधे में इन्वॉल्व है, अकाली दल उनको बचाने में लगे हुए हैं, उनको निकालने में नहीं लगे हुए। तो क्या होता है, अकालियों और कांग्रेस में सहमति हो जाती है कि अगर अकालियों की सरकार बनेगी तो वो कैप्टन को बचाएंगे, कैप्टन की सरकार बनेगी तो वो मजीठिया को बचाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे को बचाते रहते हैं और देश को लूटते रहते हैं। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है, हम भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना बर्दाश्त करते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। आज अगर मैं अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं, अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं, तो ये आपको यकीन है कि अगर दूसरा कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर दूसरी पार्टी वाले अपनों को बचाते हैं तो दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दुख तो बहुत है कि हमारे अंदर इस तरह की गंदी मछली है, लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से बाहर निकाल फेंकना ये हमारा काम है, और इस बात का मुझे गर्व है। और मैं आज आप सब लोगों को इसी बात का वचन देता हूं कि अगर इस किस्म की कोई भी हरकत हुई पार्टी के अंदर, कोई भी गलत हमारी नजर में आया, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मैं गलत काम करूं तो मैं मनीष सिसोदिया को बोलता हूं कि मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, हमारी पार्टी को बोलता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई करना, छोड़ना मत मेरे को। और कल को अगर कोई हमारा मनीष सिसोदिया भी करेगा गलत काम तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद।